नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे किरण सामान्य ज्ञान में। अगला टॉपिक हमारा था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अभी तक आपको बता दें कि किरण सामान्य ज्ञान बुक्स बहुत अच्छी लिखी गई है। अगर इसे आप लोग कवर कर लेते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास व्यवस्था है, आपके आसपास मिल रही है ये बुक, तो इसे खरीद कर ही केवल सामान्य ज्ञान के लिए इसे ही पढ़ें। केवल मैं देख रहा हूँ अधिकतर बच्चों में क्या हालत है कि एक जगह नहीं, कई सोर्सों से पढ़ेंगे और इसी में वो परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि 1000 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक दो किताबें पढ़ें और आपका सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो इसमें हम जैसे इसमें भारत का इतिहास ख़त्म कर चुके हैं, विश्व का इतिहास ख़त्म कर चुके हैं, भारतीय कला एवं संस्कृति ख़त्म कर चुके हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, भूगोल, भारत का, विश्व का भूगोल दोनों देख चुके हैं। उसके बाद सामान्य अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था, उस पर भी बात कर चुके हैं। सामान्य विज्ञान पूरा कवर कर चुके हैं, उसमें चाहे आपका भौतिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जंतु विज्ञान, फिर चाहे आपका प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और प्रदूषण, इस सब के बारे में अभी तक हम लोग जान चुके हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर चुके हैं, इसका कुछ ही पार्ट बचे हुए हैं इसके। तो याद रखिए, अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह के जो भी एग्जाम है वनडे, काफ़ी हद तक आप स्टेट PSC, PCS है, इसका प्रीलिम्स भी दे सकते हैं इसे पढ़कर आप लोग। तो समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया बुक्स लिखी गई है। और एक बात आजकल देख रहा हूँ कि ऑनलाइन पढ़ने की बजाय ऑफलाइन पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, एक आध बार दिन में 1-2 घंटे आप लोग ऑनलाइन के लिए दे सकते हैं। अगर आप सोचें कि 24 घंटे आप ऑनलाइन ऑनलाइन, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पढ़ना बेहतर समझते हैं हम, और बुक्स को ख़रीद लें। और इसे मैं कहता हूँ कि 1 से 2 बार पढ़ लें, और बहुत है मटेरियल सामान्य ज्ञान के लिए, और बहुत अच्छे से कवर किया गया है। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप उनके आंसर देने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या क्या देखेंगे हम लोग? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष में विज्ञान, अंतरिक्ष में प्रथम, भारतीय ऊर्जा कार्यक्रम, परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय रक्षा और प्रतिरक्षा कार्यक्रम, नैनो प्रौद्योगिकी तथा अंटार्कटिका पर स्थापित शोध केंद्र, इतने टॉपिक हम लोग चैप्टर कवर करेंगे इसमें। एक बात आपसे हमेशा से बोलता आया हूँ, क्या बोलता आया हूँ, कि आप करंट से जुड़े रहिए। किससे? करंट से जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो करंट के बिना आप नहीं संभाल सकते हैं क्वेश्चंस उनसे। अब जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसमें बदलते रहते हैं। आपने देखा चंद्रयान 2 छूटा है, जो चलिए चंद्रयान 2 के बारे में वैसे भी हम बता चुका हूँ पीछे, और फिर भी बता देंगे कुछ हद तक, लेकिन और भी जो अपडेट होते रहते हैं उनके लिए आपको करंट से जुड़ना जरूरी है। एक आपके स्थायी आंकड़े होते हैं और एक अस्थायी आंकड़े होते हैं। तो स्थायी आंकड़ों को आप रट लिया करिएगा, यानी कि याद रख लिया करिएगा। जो अस्थायी आंकड़े होते हैं वो बदलते रहते हैं, उन्हें आप लोग करंट से जोड़कर देखते रहिए करिए। और आजकल आपके पास फोन की सुविधा है, आप घर बैठे हैं, या आपके पास न्यूज़पेपर है कोई सुविधा, तो एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहें हमेशा। और नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं इस तरह के, कोई भी अगर डेली करंट अफेयर्स आता है तो। और कोशिश करने वाला हूँ कि ये कुछ ख़त्म हो जाए NCERT, और ये तो मैं भी एक, चाहे जनसत्ता, फिर चाहे दैनिक जागरण, जो भी पेपर होगा एक मैं भी कवर करता रहूँगा। ठीक है, तो आपका सब एक ही जगह मिल जाएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? 1962 की प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ ही हुई है। इस समिति का पुनर्गठन करके 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बनाया गया।
पहले से आप कह सकते हैं कि 1962 में जो स्थापना हुई थी ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से हुई थी। उसके बाद इसके पुनर्गठन करके 1969 में आपका जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना की गई। देश में अंतरिक्ष अनुसंधान को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए 1972 में, कब 1972 में, केंद्र सरकार ने एक अंतरिक्ष विभाग और एक अंतरिक्ष आयोग गठन किया। तो आपसे पूछ सकता है यहाँ कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है कि 1969 में। अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई, तो ये 1972 में। अंतरिक्ष आयोग की, इसकी भी स्थापना 1972 में ही। इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट, इस परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रोफेसर सतीश धवन ने संभाला, जिन्होंने 1973 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का कारोबार अपने हाथ में लिया था। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली, वर्ष 1983 में स्थापित इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। याद रखिए, इस नाम को भी याद रखना है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता भी यानी कि जनक भी कहते हैं। ये कई बार आपका क्वेश्चन भी बन चुका है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूर संचार, उपग्रह के माध्यम से दूर संचार, दूरदर्शन के प्रसारण को बेहतर बनाने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि अब कहते हैं कि अब नीचे का युद्ध नहीं होगा, यानी अब सेनाएं नहीं लड़ेंगी, अब कुछ दिन में सैटेलाइट से लड़ाई होगी। आपका जो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट है उसे मार मार दिया जाएगा, यानी कि गिरा दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि यह आंकड़े ना मिलेंगे आपको, दूर संचार की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, आप समझ रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट की खत्म सेवा कर दी जाए, तो आप एक तरह से जिंदा लाश ही बन जाएंगे, समझ रहे हैं। तो अब यही होगा आगे चल के। इनसेट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग और दूर संचार विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है। इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रम की व्याख्या, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 अगस्त 2016 को सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया। टू स्टेज स्कैम जेट इंजन में वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल ईंधन के दहन के लिए किया जाता है। रॉकेट के साथ अधिक रफ्तार से ज्यादा पिलोड भेजा जा सकेगा इससे। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां, ये अंतरिक्ष केंद्र हो गए, ये आपके कार्य, इनका जो उद्देश्य है जिसके लिए बनाए गए वो हो गए। सार केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये आपसे पूछते हैं अधिकतर बार, सार कहाँ है अंतरिक्ष केंद्र, तो याद रखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन, रॉकेट के विभिन्न चरणों का प्रयोग, का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्राणोदक का प्रसंस्करण किया जाता है। यहाँ कहाँ, हरिकोटा में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम में है। रॉकेट अनुसंधान तथा प्रेक्षण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करना यहाँ होता है, इसका कार्य है। इसरो उपग्रह केंद्र, ये आपका बंगलोर में देखने को मिलेगा। उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, प्रबंधन कार्य करना इसका काम है। फिर आपका द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर महेंद्रगिरी में, ठीक है। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रक प्रणालियों और इंजन के डिजाइन और विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। फिर आपके भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, अंतरिक्ष और समग्र विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। फिर आपका मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन कर्नाटक में है आपका। इसका उद्देश्य इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना, कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व, ये सभी आपके इसी पर है। अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र अहमदाबाद में, इसका उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख कार्यों में दूर संचार एवं टेलीविजन के उपग्रह में उपग्रह प्रयोग, प्राकृतिक
प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण, दो संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल किए जाते हैं। फिर आपके राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है। यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण, निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र आपका बालानगर में है। कहाँ है? बालानगर में है। अब बात करते हैं प्रमुख भारतीय उपग्रह। तो सबसे पहले उपग्रह का नाम है प्रक्षेपण केंद्र हो गया, उद्देश्य हो गया इसका, ठीक है। सबसे पहला है आपका आर्यभट्ट, ये 1975 की बात है। पूर्व सोवियत संघ का बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। तो याद रखिए सोवियत संघ यानी कि जिसे आप रूस कहते हैं आप लोग, ये इसे पहले पूर्व सोवियत संघ कहा करते, सोवियत संघ। तो इसी की मदद से आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975 में। वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग, एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग आदि इसका उद्देश्य है। भास्कर ये 1979 में छोड़ा गया। बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र यानी कि यहीं से सोवियत संघ से। जल विज्ञान हिमगलन, समुद्री विज्ञान, वनिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षक अनुसंधान करना इसका उद्देश्य है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले हमारी रूस से अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और हमारे पक्ष में रहा करता था। जब 1971 में आपका युद्ध हुआ, बांग्लादेश अलग बना, उस समय रूस ही हमारी मदद कर रहा था और अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब रहे। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की तरफ झुकता था, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ रूस का झुकाव होता जा रहा है और हमारी तरफ अमेरिका का। फिर आपका भास्कर टू, ये 1981 में छोड़ा गया। बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र, समुद्री सतह का ताप, समुद्री स्थिति, बर्फ गिरने और पिघलने जैसी घटनाओं का व्यापक विश्लेषण करता है। फिर आपका रोहिणी आर, ये आपका श्रीहरिकोटा के भारतीय प्रक्षेपण से छोड़ा गया, प्रक्षेपण यान से SLV-B3 के द्वारा। रोहिणी आर एस 1980 की बात है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। फिर आपका एप्पल प्रायोगिक संचार उपग्रह, ये भी 1981 की बात है। फ्रेंच गुआना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के Ariane 4 प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या था? एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव से ने इनसेट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आपका मैट सेट कल्पना, ये आपका 12 सितंबर 2002 को छोड़ा गया। PSLV-C4 द्वारा श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। भारत के पहले मौसम उपग्रह को भेजा गया। रिसोर्स सेट 1 17 अक्टूबर 2003 को छोड़ा गया। PSLV-C25-25 द्वारा श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। अब तक के सर्वाधिक वजन वाली दूर संवेदी उपग्रह को देश में ही विकसित PSLV-C25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। एडुसेट, यह आपका 20 सितंबर 2004 को छोड़ा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसे GSLV-F01 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए स्वदेश निर्मित प्रथम शैक्षिक उपग्रह है। कार्टोसेट 1, यह आपका 5 मई 2005 को छोड़ा गया। इसका इसरो का शोभा मिशन था। श्रीहरिकोटा से PSLV-C6 से प्रक्षेप किया गया। 9 सितंबर 2012 को PSLV-C21 के द्वारा फ्रांस के उपग्रह स्पोर्ट एवं जापान के एक माइक्रो उपग्रह प्रोटेरेस को प्रक्षेपित किया गया था। ये शोभा था, ठीक है, सॉरी, ये सामने पूरी ऊपर वाली है कार्टोसेट की। देश के पहले मानचित्रण कार्यों हेतु प्रयुक्त उपग्रह मैपिंग सैटेलाइट था ये कार्टोसेट ए, ठीक है। फिर आपने देखा है चंद्रयान 1, ये 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-C11 यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। चंद्रमा पर भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव रहित चंद्र अभियान था। ये कैसा था? मानव रहित पहला चंद्र अभियान। इसकी महत्वपूर्ण खोज रही थी चंद्रमा पर पानी की। फिर आपका IRNSS
वन ए 1 जुलाई 2013 को, 1 जुलाई 2013 को छोड़ा गया। ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-22 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली की स्थापना यह अमेरिका जीपीएस की तर्ज पर काम करेगा। इस क्रम में 7 उपग्रह भेजने की इसरो की योजना है। फिर आपका मार्स ऑर्बिटर श्री हरिकोटा से पीएसएलवी C-25 भारत का प्रथम मंगल यान था। क्या था? भारत प्रथम का प्रथम मंगलवान था और पहली बार में ही सफल हुआ था। मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 24 सितंबर 2014 को मंगल पर उपग्रह की स्थापना के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया है। यह उपग्रह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। आप समझ रहे हैं कि एक बार में ही हम इसमें असफल नहीं हुए, फिर दोबारा हमने प्रयोग किया हो नहीं, प्रथम बार में ही हम लोग, जैसे आप लोग देखते ना कि आप प्रथम बार में ही परीक्षा पास कर जाते, तो वही बात की जा रही है। ट्वेल्थ में आप पास हुए हो तो क्या बोल रहे हैं, प्रथम प्रयास में हमारे बच्चे ने पास कर लिए, दूसरा प्रयास नहीं करना पड़ा। वर्ष 2014 में G-SAT-14 यानी कि G-SAT-14 ये आपका 5 जनवरी 2014 को श्रीहरिकोटा से GSLV D5 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 1980 किलोग्राम वजन का संचार उपग्रह जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथमतः सफल प्रयोग हुआ। G-SAT-16 ये 7 सितंबर 2014 को फ्रेंच गुआना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से Ariane 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का 24वां संचार उपग्रह है। यह अपने साथ कुल 48 संचार ट्रांसपोंडर ले गया। फिर आपका G-SAT-6 यह आपका श्रीहरिकोटा से SLV CD-6 के द्वारा छोड़ा गया था। कब? 27 मार्च 2015 को। यह उपग्रह संचार के बारे में बताएगा हमें। IRNSS-1G कार्टोसेट अलग है, ये अलग है, सॉरी IRNSS-1G इस श्रीहरिकोटा से PSLV C-33 यानी कि C-33 द्वारा छोड़ा गया। यह उपग्रह नेविगेशन के बारे में हमें बताएगा। कार्टोसेट यह आपका 22 जून 2016 को छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से APSLV C-34 के द्वारा छोड़ा गया। यह उपग्रह दूर संवेदी है। मौसम उपग्रह SCAT-SAT-1 यह आपका 26 सितंबर 2016 को छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से PSLV 35 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह मौसम, सुनामी और भूकंप जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी में मदद करेगा। अब आप देखते भी हैं इसका असर कि पहले भूकंप आया करता था, बाढ़ आती थी, तूफान आता था, कई 100 लोग मर जाते थे। अब आपको कई घंटों पहले ही बता दिया जाता है, इसकी चेतावनी दे दी जाती है, तो व्यवस्था भी हो जाती है और वहाँ से प्रभावित क्षेत्र जो वहाँ से निकाल लिया जाता है लोगों को, ठीक है। फिर आपकी दूर संचार उपग्रह G-SAT-18 ये 8 अक्टूबर 2016 को स्थापित किया। फ्रेंच गुआना के कोरू एक्सपोर्ट से रॉकेट Ariane 5 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह भारत के लिए 15 साल तक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देगा। 2 सितंबर 2017 को ये आपका IRNSS-H 2 सितंबर 2017 को स्थापित किया गया श्रीहरिकोटा से PSLV C-39 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह नेविगेशन ग्लोबल पोजिशनिंग के बारे में बताएगा। G-SAT-6A 29 मार्च 2018 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-08 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया।
यह उपग्रह संचार के बारे में बताएगा। किसके? संचार के बारे में। देखिए 2019 का तो पूरा करंट अफेयर्स मैं कवर करवा चुका था। एक आपकी घटना चक्र आती हो दृष्टि की, उसे मैं पूरा कवर करवा चुका हूँ। और आपका UPPCS के लिए और बाकी वन डे एग्जाम, देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसी में आपका वन डे एग्जाम भी कवर हो जाता है। क्या हो जाता है? वन डे एग्जाम भी काफी हद तक कवर हो जाता है। इसीलिए यह कहता हूं कि अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब बता देते हैं मिशन चंद्रयान 2 के बारे में भी कुछ। ये कुछ ही पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी इसमें अगर लागत पूछी आपसे चंद्रयान 2 की तो 978 करोड़ रुपए लागत आई। इसे आपका 22 जुलाई 2019 को श्री हरिकोटा रेंज से छोड़ा गया था। किसके द्वारा? GSLV MK3M2। ये आपका कई बार पूछ भी लिया है। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। और जो GSLV MK3M2 है इसे बाहुबली भी कहते हैं। अब चलते हैं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली IRS। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्म में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना पिकेट विधि द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आप सुनते हैं ना कि यहाँ खनिज, यहाँ सोना मिला है। अब कैसे पता चलेगा? कोई नीचे खोद कर तो देखने नहीं गया कि यहाँ सोना मिला हुआ है या हीरा मिल चुका है या तांबा मिल चुका है? तो इसी विधि द्वारा देखा जाता है इसे। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह की बात करें तो IRS-1A, IRS-1B, IRS-1E, IRS-P2, IRS-1C, IRS-P4, IRS-P6, कार्टोसेट 1 और 2। फिर आपका चंद्रयान 2, इसके बारे में मैं वैसे बता चुका हूँ। भारत सरकार द्वारा 18 सितंबर 2018 को चंद्रयान 2 अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अभियान 2017 में संपन्न होना प्रस्तावित था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि 2019 में जाकर हुआ। इस अभियान के अंतर्गत चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना था, जिसमें वहां उपस्थित रासायनिक तत्वों की सही जानकारी मिल सकती थी। फिर आपका प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 कहते हैं। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के सफल परीक्षण से भारत को अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बना दिया गया। किसका? अंतरिक्ष क्लब का। इसमें बाकी 5 सदस्य कौन कौन से थे? अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जापान और 6ठा भारत शामिल हुआ। SLV की चतुर्थ उड़ान द्वारा रोहिणी RSD-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। ये आपकी 1983 की बात है। कब? 1983 में। फिर आपका PSLV, इसके या तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए और फुल फॉर्म भी, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक ईंधन के रूप में और द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। द्रव प्रणोदक के रूप में आपने देखा होगा असामान्य डाई मेथाइल हाइड्रोजाइन और N2O8 है। क्या है? एक सेकंड रुकिए। N2O4 है। क्या है? N2O4। N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के तापमान पर भी द्रवीकृत रहता है। फिर आपका GSLV, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV एक शक्तिशाली 3 चरणों वाली भूस्थिर या फिर भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जो 49 मीटर लंबा 414 टन भार उठाने की क्षमता से युक्त है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में इसमें द्रव प्रणोदक
और तृतीय चरण में एक क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी वर्ष 2006 में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक पूर्ण निम्न ताप अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया था। इस प्रौद्योगिकी में इंफ्रारेड प्रोडक को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन भी कहते हैं। जीएसएलवी डी फाइव भारत की जीएसएलवी विक्षेपण यान की 8वीं उड़ान है, जिसके द्वारा GSAT-14 को 5 जनवरी 2014 को स्थापित किया गया। यह 3 चरणों वाला विक्षेपण यान है। इसकी विशेषता है कि इसके तीनों चरणों, तीसरे चरण में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। फिर आपके जीएसएलवी एम के थ्री भारत की भावी पीढ़ी का विक्षेपण यान है, जिसकी परिकल्पना 4 टन भार वाले वर्ग के उपग्रह को भू तुल्यकालिक हस्तांतरण कक्ष में विक्षेपण करने के लिए की गई है। यह है आपका अंतरिक्ष में प्रथम। इससे भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते रहते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये था मेजर यूरी गागरिन, रूस के थे। तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कहाँ का था? अगर ये पूछे तो रूस का बता देना, अगर उस व्यक्ति का नाम पूछे तो आपको मेजर यूरी गागरिन बता देना है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की अगर बात करें तो वेल्ले टीना तेरेसिकोवा है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्डिन, ये दो व्यक्ति थे, ठीक है। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति की बात करेंगे, एलेक्सी लियोनोव। दो बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति सोवियत यात्री, यानी कि जिसे आप रूस कहते हैं उसे पहले आप लोग सोवियत रूस कहते थे, सोवियत संघ। ये था कर्नल व्लादिमीर कोमारोव। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पहला अमेरिकी यात्री, ये थे आपके एडवर्ड राइट। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री वालेरी पोल्याको। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा साहब, ये आपके भारतीय थे। कौन? राकेश शर्मा, ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। प्रथम भारतीय महिला यात्री अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला साहब। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला श्वेत लाना सेवित्स्काया। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला ये थी सैली राइट। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अध्यापिका सेरेन क्रिस्टा मैकुलिप, ये कहाँ की थी? अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कार्ल जी हेनेजे। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कार्ल जी हेनेजे। सबसे अधिक उम्र का और सबसे कम उम्र का दोनों एक ही है, ठीक है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना नौ। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक रहित अंतरिक्ष यान अपोलो सेकंड। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान ईगल। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग एक। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष लूना, ये आपका अपोलो 11 है, ठीक है। मुझे लगा सेकंड इस तरह से लिखा गया हो। अंतरिक्ष में दो देशों में के यानों का प्रथम मिलन अपोलो सोयूज, यह 15 जुलाई 1975 की बात है। याद रखिए, इस तरह की अगर जो भी क्वेश्चन गलत बता देता हूँ आंसर, तो उसे आप लोग सुधार कर भी नीचे लिख दिया करिएगा। हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, ठीक है। इसमें अकेली मेरी नहीं है, आपको भी सहयोग देना है।
भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य सितंबर 1992। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका। अब कुछ आपकी ये अंतरिक्ष शब्दावलियां हैं, ये भी आपका मालूम होना चाहिए। अंतरिक्ष स्पेस पृथ्वी की वायुमंडलीय सीमा के पार का समस्त भाग आपका अंतरिक्ष है। भूकेंद्र रॉकेट और उपग्रहों के विक्षेपण एवं उड़ान के दौरान उनसे संपर्क स्थापित करने होती पृथ्वी पर स्थित संपर्क केंद्र आपका भूकेंद्र कहलाता है। रॉकेट ये आपका यांत्रिक वाहन है, ले जाने वाला वाहन। अंतरिक्ष में उड़ान भरने में सक्षम अपने ही द्रव्य राशि के अंश को हवा में जेट द्वारा फेंक कर प्रतिक्रिया बल के द्वारा गतिशील रहता है। प्रोड़ोदक इसमें रॉकेट ईंधन। प्रोड़ोदक का कार्य की बात करें तो रॉकेट को तीव्र गति प्रदान करने के लिए अत्यंत तीव्र तथा गर्म एवं फैलने वाली गैसों को उत्पन्न करता है। ठोस प्रोड़ोदक इसमें 88% ठोस रहता है, 12% द्रव रहता है का मिश्रण। पॉलीयूरेथीन या फिर पॉलीब्यूटाडीन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। अमोनियम परक्लोरेट ठोस ऑक्सीकारक, इसका इस्तेमाल SLB-3 में किया गया है। द्रव प्रोड़ोदक द्रव केरोसिन विशेष रूप से शोधित द्रव ईंधन, बड़े रॉकेटों में इसका उपयोग होता है। दूर की उड़ानों या तीव्र गति वाली उड़ानों में भी इसका उपयोग होते हैं। फिर आपने सुना है संकर प्रोड़ोदक, इसमें ठोस प्रोड़ोदक और द्रव प्रोड़ोदक मिलकर बनता है। ठोस ईंधन जैसे ठोस हाइड्रोकार्बन एवं धातु हाइड्राइड, द्रव ऑक्सीकारक द्रव क्लोरीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड। पिछेपथ ट्रेजेटरी पिछेपास्त्र रॉकेट या उपग्रह का उड़ान पथ होता है। निकास वेग रॉकेट इंजन के नोजल से गैसीय प्रवाह के बाहर निकलने का वेग होता है। फोटोन रॉकेट फोटोनों का उत्सर्जन कर रॉकेट यान तैयार करने की एक परिकल्पना है ये आपकी। फिर आपका पिछेपण यान लॉन्च व्हीकल स्पेस कैप्सूल अंतरिक्ष संपुट को छोड़ने के लिए रॉकेट का शेष भाग होता है। विक्षेपण स्थल वह आधार जिस पर लॉन्च व्हीकल आधारित होता है, रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष यान की उपक्षेपित किया जाता है। फिर आपका विक्षेपण समूह लॉन्च कॉम्प्लेक्स लॉन्च पेड लॉन्चर साधन सुविधाएं और यंत्र उपकरणों का समूह जिनका उपयोग प्रेक्षण में होता है उसे हम लोग विक्षेपण या लॉन्च कॉम्प्लेक्स कहते हैं। श्रीहरिकोटा भारत का विक्षेपण संकुल है। विक्षेपक विक्षेपण के दौरान रॉकेट को सीधे संभाल कर रखने वाली उपकरण व्यवस्था है। बूस्टर प्रारंभिक उड़ान के दौरान इसके द्वारा रॉकेट को अंतरिक्ष शक्ति प्रदान करता है। पलायन वेग वह वेग जो किसी रॉकेट या अंतरिक्ष यान को किसी आकाशीय पिंड की गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने में अर्जित करने वाला आवश्यक होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग की बात करें तो 11,200 मीटर प्रति सेकेंड एवं चंद्रमा के लिए 2370 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, पृथ्वी के लिए कितना 11,200 मीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा के लिए है आपका 2,370 मीटर प्रति सेकंड। फिर आपका कक्षीय वेग किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए उसे प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम आरंभिक वेग आपका कक्षीय वेग होता है। धरातल पर है 7.91 किलोमीटर प्रति सेकंड। कमान मॉड्यूल अंतरिक्षयान का वह कक्ष जिसमें अंतरिक्ष यात्री के रहने का स्थान एवं प्रमुख कमान उपकरण स्थापित रहते हैं। पेलोड इच्छित प्रयोजन हेतु किसी रॉकेट यान या फिर उपग्रह में स्थापित पार है। अंतरिक्ष यात्री चालक या अन्य यात्री जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। अमेरिकी यात्री जो एस्ट्रोनॉट कहा जाता है इसे। रूसी यात्री को कॉस्मोनॉट कहा जाता है। फ्रांसीसी यात्री को स्पेसनॉट कहा जाता है। इन तीनों को याद रखिए। फिर आपकी मरी सेट उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई राष्ट्रों द्वारा मिलकर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना जिससे रेडियो संकेतों द्वारा समुद्री दिशा ज्ञान रास्ता समुद्री खतरे तूफान या फिर दूसरी आपातकालीन जरूरतों के समय सूचनाओं का आदान प्रदान कर सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना। अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में स्थित एक केंद्र या फिर कक्षीय स्टेशन जहां वैज्ञानिक शोध स्टेशन संचार स्टेशन अंतरिक्ष नौकायन स्टेशन एवं मौसम स्टेशन आदि होते हैं। अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा केंद्रीय उपग्रह जिसका जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सके। अंतरिक्ष प्रयोगशाला
पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष में तैरता एक विशेष प्रकार का उपग्रह जहाँ अंतरिक्ष संबंधी शोध किए जाते हैं। फिर आपका दूर संवेदी उपग्रह, दूर संवेदी तकनीक पर आधारित ऐसा उपग्रह जिसकी मदद से पृथ्वी की सतह पर स्थित चीज़ों के चित्र उतारे जाएँ, यानी कि चित्र लिए जाएँ, फिर उन्हें परिवर्तित कर असली चित्र में बदला जाए। इसके द्वारा सागर सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण, कृषि खनिज संपदा और वन संपदा आदि का मूल्यांकन किया जाता है। भू स्थितिक कक्षा अंतरिक्ष में किसी उपग्रह के परिभ्रमण की वह कक्षा जिसमें स्थित किसी उपग्रह का परिभ्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर हो उसे हम लोग भू स्थितिक कक्षा कह देते हैं। उसमें उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देते हैं। भू स्थितिक कक्षा आपकी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी से लगभग 904 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS इसी ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करता है। फिर आपका मौसमीय उपग्रह, मौसम संबंधी जो सूचनाओं के लिए वायुमंडलीय परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं वाले पार्थिव उपग्रह, इन्हें हम लोग मौसमी उपग्रह कह देते हैं, क्योंकि मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होती इसी से पता चलता है हमें। उपग्रह संचार प्रणाली, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रथम परिकल्पना सर आर्थर क्लॉक 1945 में। उपग्रह द्वारा रेडियो तरंगे भेजने का की परिकल्पना ए पियर्स द्वारा 1954 में। प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पूतनिक, ये आपका एक है। अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह संचार प्रणाली का गठन 1962 में। उद्देश्य की अगर बात करें तो जो राष्ट्र अपना उपग्रह नहीं भेज सकते हैं उनको संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना इसका काम होता है। इनमारसेट इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट, समुद्र में संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना इसका काम है। कुछ देशों की घरेलू संचार व्यवस्था भी है, जैसे अनेक कनाडा की, विस्तार ये अमेरिका की, मॉल्टिया ये रूस की, इनसेट भारत की, पलापा ये आपके इंडोनेशिया की है। फिर आपका सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इच्छित क्षेत्र से वास्तविक संपर्क स्थापित किए बिना ही सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। चूंकि यह मानव की प्राकृतिक क्षमताओं से परे की बात है इसलिए इसके लिए उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। भारत दूर संवेदी उपग्रहों को डिजाइन करने तथा उन्हें संचालित करने में पूरी तरह सक्षम है। सुदूर संवेदी उपग्रहों का उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो कृषि क्षेत्र में भूमि उपभोग, सूखा मॉनिटरिंग का तथा आकलन, प्रतिभूमि मानचित्र, मत्स्य पालन इत्यादि। आपने देखा होगा कि जब आप आंकड़े आते हैं आर्थिक आंकड़े तो उसमें बताया जाता है कि इतनी बंजर भूमि है, इतनी पर खेती की गई है, ये सभी इसी से प्राप्त होते हैं। अब हर व्यक्ति जाके हर क्षेत्र का मानचित्र तो नहीं कर सकता है ना, देख नहीं सकता है, वहाँ हर क्षेत्र में जाना संभव भी नहीं है। तो इन्हीं सैटेलाइट से ही आपकी सभी गणनाएँ की जाती हैं। वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में वन के विभिन्न प्रकारों का मानचित्रण, वन्य जीवों की गणना इत्यादि इसका काम है। आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार वन इतने प्रतिशत क्षेत्र बढ़े हैं, इतने प्रतिशत घटे हैं, इस राज्य में इतने वन प्रतिशत क्षेत्र अल्प है, तो इसी तरह से गणना की जाती है। अगर जल संसाधन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जिलेवार जल क्षेत्र का मानचित्रण, बाढ़ क्षेत्र का मानचित्रण, हिमग्लेशियर का मानचित्रण इत्यादि। भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में खनिज संपदा अन्वेषण, महासागरीय विज्ञान में महासागरीय संसाधनों तथा दशाओं का अध्ययन, भूमंडल तथा जैव मंडल के अध्ययन में इसका उपयोग होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो मलेरिया उन्मूलन में इसका उपयोग किया गया है। भारतीय ऊर्जा कार्यक्रम, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। भारतीय ऊर्जा कार्यक्रम परंपरागत ऊर्जा मुख्य स्रोतों में से कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और जल ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं, जिनका विवरण अंकात्य। जैसे कोयला, 1972 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कितना? तीसरा। फिर पेट्रोलियम, भारत को इस समय अपनी आवश्यकता का लगभग, ये आपका पता नहीं लेकिन अभी करेंट में बताएं, अगर कच्चे तेल का टोटल बता दूं तो 80 से 85% तक हम लोग आयात करते हैं कच्चा तेल, ठीक है। प्राकृतिक गैस, स्वदेशी उत्पादन 30 BCM प्रतिवर्ष के स्तर पर
पर करने से देश में प्राकृतिक गैस के भंडार 23 वर्षों तक ही पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहेंगे। इसे भी हम लोग प्राकृतिक गैस को भी आयात ही करते हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि अपने आत्मनिर्भर हो सके। जल विद्युत, विद्युत उत्पादन के तरीकों में जल विद्युत पद्धति सर्वाधिक कम खर्च वाली तथा प्रदूषण रहित है। बैदवा, माता टीला या आप सभी ने बांध देखे होंगे, कई बांधों पर जल विद्युत परियोजना भी होती है, चलती हैं और आपकी सिंचाई के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ 1948 में माना जा सकता है, जब परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में नीति निर्धारण करने वाला सर्वोच्च संस्था के रूप में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। देश में यूरेनियम और थोरियम के संसाधनों का परमाणु विद्युत उत्पादन में चरणबद्ध तरीके से उपयोग करने के लिए वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा घरेलू संसाधनों पर आधारित परमाणु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 1957 में ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान भी गठित किया गया। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान 1957 में ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया। इस प्रतिष्ठान को अब आप लोग परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के नाम से जानते हैं। 1969 में तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई थी। 1969 में तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। कौन सा? तारापुर। किसकी सहायता से? संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम थोरियम एवं बाहरी जल की आवश्यकता होती है। झारखंड राजस्थान में कुल 11,000 टन यूरेनियम के भंडार का पता लगाया गया है। वर्तमान में भारत परमाणु शक्ति अपने शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में छठवें नंबर पर है। भारत में इस समय 9 परमाणु विद्युत गृह हैं। कौन कौन से हैं? इनसे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु में दो दो, और नरोरा ये आपका उत्तर प्रदेश में एक परमाणु विद्युत गृह है। इन सभी विद्युत गृहों की कुल स्थापित क्षमता आपकी 1760 मेगावाट है। कितनी? 1760 मेगावाट है। फिर आते हैं आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना वर्ष 1982 में की गई, जिसे बाद में प्रोन्नत कर पूर्ण मंत्रालय का दर्जा भी दे दिया गया है। यह मंत्रालय नए और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित देता है। भारत के संदर्भ में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के दो पहलू हैं। कौन कौन से? वे स्रोत जिनका व्यवहारिक उपयोग हो रहा है, वे स्रोत जो अभी प्रयोग या फिर परीक्षण के स्तर पर है, भूतापीय तरंग या फिर ज्वारीय ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। वैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिनका व्यवहारिक उपयोग हो रहा है उनमें आपका है बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। याद रखिए, ये वो स्रोत हैं ऊर्जा के, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक आप देखते हैं कि पवन रहेगा यानी कि हवा चलती रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी सूर्य भी रहेगा, जिस दिन सूर्य खत्म हो गया पवन रुकना बंद हो गई चलना, उस दिन हमारा भी तो अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये हमारे लिए ज़रूरी ऊर्जा है, क्योंकि कोयला आप समझ सकते हैं, पेट्रोलियम समझ सकते हैं, कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। एक आकलन के अनुसार भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता लगभग 2 लाख मेगावाट के बराबर है, जिसमें 31% सौर ऊर्जा, 30% समुद्र जल से, 25% बायोगैस से और 10% वायु से और 2% अन्य स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा की दीर्घकालिक रणनीति के अंतर्गत पुनर्नवीकरण योग्य स्रोतों पर आधारित ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। आपने देखा होगा जब से 2014 से नरेंद्र मोदी प्रशासन आया तब से इसी पर नवीकरणीय ऊर्जाओं पर जोर दे रहा है। सोलर ऊर्जा सुनी होगी आपने कई बार। सन 2012 तक इन स्रोतों से देश में उत्पादन बिजली का 15% तथा सन 2020 तक उत्पादित बिजली का 25% भाग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत में 1948 में डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्य आयोग की स्थापना तथा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में कई कार्य भी प्रारंभ हुए।
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1954 कब 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई थी। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग 3 चरणों में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम चला रहा है। कौन कौन से हैं? पहले चरण में दावित गुरुजल रिएक्टरों यानी कि PHWR को बनाने का प्रावधान है। इन रिएक्टरों में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और गुरुजल को मॉडरेटर एवं कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीय चरण है आपका फास्ट वीडर रिएक्टर बनाने का प्रावधान। इसमें प्लूटोनियम को यूरेनियम 238 के विखंडन से प्राप्त किया जाता है। तीसरा चरण है इसमें थोरियम यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित यूरेनियम 233 को थोरियम के विकिरण से हासिल किया जा सकता है। फिर है आपके परमाणु अनुसंधान केंद्र। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वार्ग की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मुंबई में स्थापित है और 1957 में वार्ग देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। इसके अंदर में उद्योग, औषधि और कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटॉप चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। कनाडा के सहयोग से वार्ग में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य समस्थानिकों का उत्पादन और उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो समस्थानिकों को तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जा सकता है। वर्ष 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कलपक्कम तमिलनाडु में वर्ष 1971 में स्थापित किया गया थे। कार्य है इसका फास्ट वीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान और विकास करना। कामिनी कलपक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल अधिक विभिन्न पदार्थों की रेडियोग्राफी के लिए भी किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र ITC इंदौर में है। 1984 में स्थापित इसे बनाया गया था। कहाँ है? इंदौर में, MP। कार्य है इसका लेजर एवं तुरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना। और लेजर एक ऐसा तरीका है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक बड़ी विकास प्राप्त किया जा सकता है। फिर आपका परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोटॉन केंद्र, इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में देखने को मिलेगा और 1977 में इसकी स्थापना की गई है। यह केंद्र परमाणु भौतिकी और परमाणु रसायन शास्त्र विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति को उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। फिर आपका फास्ट वीडर रिएक्टर IGCAR केंद्र में स्थित फास्ट वीडर रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो आपका प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम करता है। फिर आपका रेडियो समस्थानिक, जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम लोग समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स। वैज्ञानिक रूप में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इनके क्रमशः ये सूत्र लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। देखिए इनका परमाणु संख्या तो समान है एक एक, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान संख्या है, ये अलग अलग है, 1, 2, 3। एक तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये आपके कुछ अनुपयोगी रेडियो समस्थानिक हैं, इनका इनसे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज के लिए खाद्य विकिरण गैज और रेडियोग्राफी में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा उपकरणों की सफाई के लिए उपयोग करते हैं। फॉस्फोरस 32 हड्डियों के कैंसर के लिए अनुवांशिकी और आणविक जीव विज्ञान में अनुसंधान के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। कैडमियम 109
मिश्र धातुओं का विश्लेषण, अमेरिकियम 241 घरों और व्यापारिक जगहों पर धूमपान डिटेक्टरों में प्रयुक्त विषाक्त लेड की माप के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर आपका सीरोडायग्नोस्टिक किट क्षय रोग के उपचयन के लिए, क्षय रोग के संक्रमण का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर आपका प्रसंस्कृत हाइड्रोजन जलने कटने चोट के लिए इसका उपयोग करते हैं। हॉल नियम 166 गठिया के इलाज के लिए इसका उपयोग करते हैं। ल्यूथीनियम 177 अंदरूनी रेडियोथेरेपी के लिए इसका उपयोग करते हैं। सीजियम 137 ब्रेकीथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए इसका उपयोग आप करते हैं। आयोडीन 131 थायराइड कैंसर और थायराइड विकारों के इलाज के लिए इसका उपयोग करते हैं। जीनोन 133 फेफड़ों में बिंटली और रक्त प्रवाह अध्ययन के लिए परमाणु चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। थैलियम 201 परमाणु कार्डियोलॉजी और ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। गैलियम 67 चिकित्सीय इलाज में इसका उपयोग करते हैं। आयरन 57 इसका उपयोग रक्त के ट्रेशर के रूप में करते हैं। आयोडीन 125 आँख के कैंसर के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की खोज के लिए इसका उपयोग करते हैं। सोडियम 24 औद्योगिक पाइपलाइनों में रिसाव एवं परिसंचरण तंत्र के में रक्त के धक्के का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर आपके परमाणु के भारत के परमाणु विज्ञान अनुसंधान केंद्र और संस्थान हो गए, इनसे भी आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जैसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कौसानी। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात। टाटा सिद्धांतिक अनुसंधान संस्थान आपकी मुंबई में देखने को मिलेगी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबई मुंबई में। भौतिकी अनुसंधान केंद्र ये आपकी मुंबई में देखने को मिलेगी। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान ये आपकी कोलकाता पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। भारतीय कैंसर अनुसंधान प्रयोगशाला ये गुलमर्ग में देखने को मिलेगी। उच्च स्थलीय अनुसंधान प्रयोगशाला ये गुलमर्ग में देखने को मिलेगी। भूकंपीय अनुसंधान केंद्र गोरी विदानूर एक कर्नाटक के बेंगलोर के पास देखने को आपको मिलेगी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये आपका कलपक्कम चेन्नई में देखने को मिलेगा। उच्च प्राविधिकी केंद्र ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। परमाणु अनुसंधान केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में देखने को मिलेगा। यूरेनियम कॉरपोरेशन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में देखने को मिलेगा। सैन्य अनुसंधान केंद्र ये श्रीनगर में देखने को मिलेगा आपको। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जलगोड़ा में देखने को मिलेगा। भाभा परमाणु ऊर्जा शोध केंद्र ये करनाल पंजाब में देखने को मिलेगा। परमाणु ऊर्जा निगम ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान प्रयोगशाला ये आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगी। भारत में परमाणु अनुसंधान रिएक्टर्स की बात करें तो ये नाम हो गए, स्थिति हो गई यानी कि जहाँ स्थित हैं, इसकी स्थापना हो गई और क्षमता मेगावाट में। जैसे अप्सरा ये आपकी ट्रॉम्बई मुंबई में है, ट्रॉम्बे मुंबई में, ये आपका 1960 में स्थापित किया गया, 1 मेगावाट इसकी क्षमता है। साइरस ये भी आपका ट्रॉम्बे मुंबई में 1960 में 40 इसकी मेगावाट क्षमता है। जर्लीना ट्रॉम्बे मुंबई 1961 की बात है, 100 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। पूर्णिमा 1 और जो पूर्णिमा 2 है और पूर्णिमा 3, ये तीनों आपके मुंबई ट्रॉम्बे मुंबई में मिलेगी। जो आपका पूर्णिमा 1 है ये 1972 में, दूसरा आपका 1980 और तीसरा 1990 में स्थापित किया गया। इससे आपकी कुल मिलाकर पूरा 200 मेगावाट क्षमता है इसकी, इन तीनों की। ध्रुव ये ट्रॉम्बा मुंबई में है, 1985 में इसकी स्थापना की गई, 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। कामनी कलपक्कम तमिलनाडु में इसकी 30 किलोवाट क्षमता है। फास्ट वीडर टेस्ट रिएक्टर यह आपकी कलपक्कम तमिलनाडु में 1985 में स्थापना की गई, 42 मेगावाट है इसकी क्षमता। भारत के वर्तमान परमाणु ऊर्जा केंद्र की अगर हम बात करें, ये नाम हो गया, स्थिति हो गई, स्थापना वर्ष हो गया, क्षमता हो गया मेगावाट में। तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र इकाई 1 और 2 ये दोनों महाराष्ट्र में है,
1972 में इसकी स्थापना की गई। 320 मेगावाट इसकी क्षमता है। राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र इकाई 1 और 2 ये राउतभाटा राजस्थान में 1972 में इसकी स्थापना की गई। 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। मद्रास परमाणु विद्युत संयंत्र इकाई 1 और 2 ये दोनों कलपक्कम तमिलनाडु में है। 1983 में इसकी स्थापना की गई। 470 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये आपका नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, इसमें भी 1 और 2 दोनों इकाइयों में ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। 1991 में इसकी स्थापना की गई। 470 मेगावाट इसकी क्षमता है। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र इकाई 1 और 2 सूरत गुजरात में देखने को मिलेगा। 1993 में स्थापित किया गया। 220 मेगावाट इसकी क्षमता है। भारत के निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान परमाणु संयंत्र इकाई 1 रावतभाटा राजस्थान में, केगा परमाणु विद्युत संयंत्र इकाई 1 और 2 केगा कर्नाटक में, इसकी ये 440 मेगावाट क्षमता है। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र इकाई 3 सूरत गुजरात में 440 इसकी भी है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र इकाई 1 और 2 कन्याकुमारी तमिलनाडु में 2000 मेगावाट इसकी क्षमता है। परमाणु से संबंधित भारत के प्रमुख संगठनों की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका मुंबई में देखने को मिलेगा। 1987 में स्थापित इस संगठन का मुख्य कार्य देश के परमाणु विद्युत केंद्रों की परिकल्पना संरचना और संचालन का कार्य संपन्न करता है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद 1971 में इसकी स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य कार्य नाभिकीय ईंधन संबंधित पदार्थों का उत्पादन एवं संवर्धन करना इसका काम है। फिर आपका बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, ये आपका मुंबई में है। 1988 में स्थापित इस संगठन का मुख्य कार्य रेडियो रसायन से संबंधित विभिन्न रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उत्पादन करना इसका काम है। फिर आपका यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपकी जादूगोड़ा में देखने को मिलेगा। 1967 में इसकी स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य कार्य यूरेनियम के उत्पादन और आपूर्ति का नियमन करना इसका उद्देश्य है। फिर आपका इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये मुंबई में है। 1950 में इसकी स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य कार्य नाभिकीय खनिज युक्त मृदा का प्रबंधन एवं अनुसंधान करना है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हैदराबाद में देखने को मिलेगा। 1967 में स्थापित इस संगठन का मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से उपकरणों एवं अवयवों को निर्माण और विकास करना इसका काम है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये आपका मुंबई में देखने को मिला। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपका कोलकाता में। टाटा मेमोरियल सेंटर, ये आपका मुंबई में। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ये आपका भुवनेश्वर। न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी, ये श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, ये आपकी गुलमर्ग में देखने को मिलेगी। भारत का परमाणु परीक्षण की बात करें तो पहली बार आपका 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षण परमाणु विस्फोट किया था। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। कितना? 12 किलो टन क्षमता का। पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई और 13 मई, इन डेटों को याद रखना। 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया जिसे शक्ति 98, क्योंकि 1998 में हुआ तो 98 इसका ले लिया, शक्ति 98 नाम दिया गया। शक्ति 98 योजना का सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। किसके? आर चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम साहब जो आपके राष्ट्रपति भी बने बाद में, अनिल काकोदकर साहब भी। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोधित यूरेनियम से ट्रिटियम ड्यूटेरियम का प्रयोग हुआ था। इसमें ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में 20 अगस्त 2016 को ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत गरुड़ गुरुथम्मा नामक ग्लाइड बमों को फाइटर जेट सुकोई से दा गया। शक्ति 98 के अंतर्गत भारत का परमाणु परीक्षण की तिथि हो गई, प्रक्रिया हो गई, क्षमता हो गई, ये तिथि 11 मई 1998। थर्मा न्यूक्लियर, ये आपका 43 किलोटन का था।
11 मई को 1998 में ही विखंडन पर आधारित 15 किलो टन का, 11 मई को ही 1998 में ही लो यील्ड या आपका 0.2 किलो टन, 13 मई को 1998 में ही यो ही यील्ड ये 0.3 किलो टन, 13 मई को 1998 को ही लो यील्ड ये 0.5 किलो टन का था। आपकी ये भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा कार्यक्रम, भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर आपके राष्ट्रपति साहब होते हैं। कौन से? राष्ट्रपति। भारतीय रक्षा सेनाएं मुख्यतः 3 वर्गों में थल सेना, जल सेना और वायुसेना में विभक्त हैं। आपकी भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी की गश्ती दल से हुआ था। भारतीय थल सेना का संख्या की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है। भारत जो भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना का प्रमुख थल सेना अध्यक्ष होता है जिसकी सहायता हेतु एक उप सेना अध्यक्ष और 5 अधिकारी होते हैं। भारतीय थल सेना 6 कमानों में क्षेत्रों में वर्गीकृत किए गई है। ये भारतीय सेना की प्रमुख कमान एवं मुख्यालय हुए थल सेना। कमान मुख्यालय उत्तरी कमान ये उधमपुर में है इसका मुख्यालय, दक्षिणी पुणे, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चंडी मंदिर, मध्य लखनऊ, दक्षिण पश्चिम जयपुर। और ट्रेनिंग कमांडर की अगर हम लोग बात करें तो यह है आपकी शिमला में। अगर नौसेना कमान की हम लोग बात करें इसके मुख्यालय की तो दक्षिणी ये कोच्चि में मिलेगा, पूर्वी विशाखापत्तनम में और पश्चिमी मुंबई में देखने को मिलेगा इसका मुख्यालय। अगर वायुसेना की हम लोग बात करें तो इसका आपका दक्षिणी तिरुवनंतपुरम केरल, पश्चिमी सुबत्रो पार्क नई दिल्ली, पूर्वी शिलांग मेघालय, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर गुजरात, मध्य इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, रख रखाव कमांड नागपुर, प्रशिक्षण बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा। सैन्य रूपरेखा की बात करें तो सेक्शन यह थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी है जिसमें प्रमुखतः 8 से 11 सैनिक होते हैं। कितने? 8 से 11। प्लाटून 3 सेक्शन मिलकर एक प्लाटून बनती है जो कि जूनियर कमीशन अधिकारी के अधीन कार्य करती है। कंपनी इसमें 3 इन्फेंट्री प्लाटूनों को मिलाकर कंपनी गठित की जाती है जो कमीशन अधिकारी के अधीन कार्य करती है। बटालियन 4 कंपनियों को मिलाकर एक बटालियन गठित की जाती है जो कि मुख्यतः पैदल लड़ाकू दस्ता होता है तथा लेफ्टिनेंट कमांडर के अधीन एक कार्य करती है। ब्रिगेड 3 इन्फेंट्री बटालियनों को मिलाकर एक ब्रिगेड गठित होती है जिसका अधिकारी होता है ब्रिगेडियर। ये आप नाम सुनते भी रहते हैं। भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण स्थानों की अगर बात करें तो इस संस्थानों का या स्थान जहाँ स्थान है जैसे इंडियन मिलिट्री अकादमी ये आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में देखने को मिलेगा, आर्मी डिफेंस कॉलेज पूना में, आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना में, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन तमिलनाडु में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये आपका देहरादून में आपको मिलेगा देखने को, नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में देखने को मिलेगा, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एक किरकी में, आर्मी वार कॉलेज महू, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इन्फेंट्री कॉलेज ये आपका महू में देखने को मिलेगा। डिवीजन 3 ब्रिगेडों को मिलाकर एक डिवीजन गठित की जाती है जो कि मेजर जनरल के अधीन कार्य करती है। कोर की रचना 2 या फिर 3 डिवीजनों को मिलाकर की जाती है या लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन कार्य करती है। भारतीय वायुसेना कौन? भारतीय वायुसेना का आरंभ 1932 में प्रारंभ हुआ है। कब? 1932 में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय की अगर बात करें तो ये नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना का प्रमुख होता है वायुसेना अध्यक्ष तथा इसके सहायतार्थ के लिए 5 अन्य अधिकारी मुख्यतः मुख्यालय में होते हैं। अब याद रखिए एक और तीनों सेनाओं के ऊपर एक और गठित किया गया CDS। ये अब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इसे रिपोर्ट करेंगे और ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना में 5 लड़ाकू कमांड तथा 2 समर्थक कमांड सहित कुल 7 कमांड हैं। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थानों की बात करें तो ये संस्थान होगा ये स्थान जहाँ है एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में,
एयरफोर्स स्कूल सोबरा बेलगांव में, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर, एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद, कॉलेज फॉर एयर वार फेयर सिकंदराबाद, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली, पैराट्यूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स स्कूल तांबोरम, नेविगेशन एंड सिग्नल्स स्कूल हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ एविगेशन मेडिसिन ये बंगलोर में देखने को मिलेगा आपको। भारतीय नौसेना, 1947 में भारतीय नौसेना में लगभग 800 अधिकारी और 6000 नाविक थे। कितने? 800 अधिकारी और 6000 नाविक। भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया जाने वाला प्रथम पोत INS ब्रह्मपुत्र था, जो 1958 में सम्मिलित किया गया था, इसमें याद रखना। भारतीय नौसेना में विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 1961 में सम्मिलित किया गया, INS ब्रह्मपुत्र को इसे 1958 में, और जो INS विक्रांत था इसे 1961 में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना का प्रथम योद्धक पोत INS नीलगिरी, जिसको 1972 में वायुसेना में सम्मिलित किया गया था आपका। भारतीय नौसेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। भारतीय नौसेना को कुल 3 कमांडों में बांटा गया है। भारतीय नौसेना का प्रमुख नौसेना अध्यक्ष होता है, जिसकी सहायता के लिए 4 मुख्य स्टाफ अधिकारी भी होते हैं। 4 मुख्य स्टाफ अधिकारी भी इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद ये भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे INS शिवाजी, ये आपका लोनावाला महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इंडियन नेवल अकादमी कोचीन, INS एक सेकंड, क्लियर फोटो स्कैन नहीं हो पाता है ना कई बार, तो क्या होता है क्लियर नहीं आ पाता है इसमें। ये है INS आंगे, ये आपका मुंबई में देखने को मिलेगा। नेवल एयर स्टेशन गरुड़, ये कोचीन में देखने को मिलेगा। INS चिल्का, ये आपका भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। INS बलसोरा, ये जामनगर में देखने को मिलेगा। INS हमला, ये आपका मलाड़ मुंबई में देखने को मिलेगा। INS कुंजली, ये आपका मिलेगा मुंबई में, कहाँ? मुंबई में देखने को मिलेगा आपको। नौसेना कमांड का प्रमुख अधिकारी वाइस एडमिरल की कोटि का होता है, जिसे कमांडर इन चीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांडर इन चीफ। भारतीय नौसेना 2 बड़े बेड़ों, एक पूर्वी बेड़ा विशाखापट्टनम, दूसरा पश्चिमी बेड़ा, ये मुंबई में विभक्त थे। तटरक्षक बल के बेड़े में गश्ती जहाजी सारथी को 9 सितंबर 2016 को शामिल किया गया था। यह अत्याधुनिक उपकरणों और सेंसर से लैस है। भारतीय सेना में अगर हम लोग कमीशन पदों की बात करें, श्रेणियों की, देश थल सेना हो गया, वायुसेना, नौसेना। थल सेना में जनरल, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल, और नौसेना में एडमिरल। थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में एयर मार्शल, वाइस एडमिरल। मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, रियर एडमिरल, ब्रिगेडियर, एयर कमांडोर और कमांडोर, कर्नल, ग्रुप कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, बिग कमांडर, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ए लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट, ये सभी आपकी थल सेना में अधिकारियों की पोस्ट हो गई, वायुसेना में और नौसेना में। अब बात करते हैं हम लोग अर्धसैनिक और नागरिक बल। आप सुनते हैं सीमा सुरक्षा बल, BSF। सीमा सुरक्षा बल कम ही नाम यूज किया जाता है, हर जगह आप देखते होंगे BSF। 1965 में गठित इस बल का प्रमुख कार्य देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना तथा युद्ध के समय भारतीय सेना के नियंत्रण में कार्य करना तथा समय पड़ने पर इसकी आंतरिक सुरक्षा एवं असैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए भी किए जाते हैं। इस बल का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। BSF का प्रधान होता है महानिदेशक, टेकनपुर इंदौर हजारीबाग नई दिल्ली, और सागर में आपको BSF प्रशिक्षण संस्थान भी देखने को मिलेंगे। प्राप्त है भारतीय तिब्बत
सीमा सुरक्षा बल, पुलिस बल ITBP। इसकी स्थापना की बल इस बल की स्थापना 1962 चीनी हमले के बाद हिमालय क्षेत्र के दुर्गम जो क्षेत्र हैं इनकी सुरक्षा हेतु गुप्त चल लड़ाकू बल के रूप में की गई, जो परंपरागत पुलिस बलों से भिन्न होते हैं। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। यह बल देश का उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा करना, सीमावर्ती लोगों की सुरक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों तस्करी और भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ रोकना इसका काम है। असम राइफल देश की पूर्वोत्तर भारत म्यांमार भारत चीन सीमा की सुरक्षा हेतु 1835 में कब 1835 में असम राइफल की स्थापना की गई। आरंभ में इसकी स्थापना केसर लेबी के रूप में की गई थी, जिसका नाम बदलकर 1883 में कब 1883 में केसर लेबी से बदलकर फ्रंटियर पुलिस रखा गया था। 1891 में इसका नाम बदलकर असम मिलिट्री पुलिस रख दिया और 1917 में कब 1917 में इसका नाम असम राइफल्स रख दिया गया। वर्तमान में इस पुल बल की कुल 31 बटालियन है तथा यह केंद्रीय सशस्त्र बल है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर देश की आंतरिक सुरक्षा और नागरिक प्रशासन के में उपयोग में भी लाई जाती है। फिर आपकी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से 1939 में की गई, जिसका नाम देश की स्वाधीनता के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया। CRPF की अगर मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। CRPF का मुख्य कार्य देश में कानून और व्यवस्था कायम रखने हेतु राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करना इसका काम है। फिर आपकी भारतीय तटरक्षक बल सशक्त सीमा के रूप में भारतीय तटरक्षक बल का 1978 में गठन किया गया। इस बल का गठन देश की समुद्र सीमाओं एवं समुद्री क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तटरक्षक दल अधिनियम के अंतर्गत किया गया। यह हमारे देश की 28 वर्ग किलोमीटर समुद्री सीमा क्षेत्र की सुरक्षा करती है। इस बल का मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसका प्रमुख होता है महानिदेशक। इस बल का क्षेत्रीय मुख्यालय आपको मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में भी देखने को मिलेगा। इस बल का मुख्य कार्य की बात अगर हम लोग करें तो देश की समुद्री सीमा में अनाधिकृत रूप से उपस्थित मछुआरों को पकड़ना और समुद्री सीमा में तस्करी को रोकना इसका काम है। फिर एक आप सुनते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना देश में व्याप्त आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए की थी और इस बल को इस समस्या का सामना करने हेतु उच्च प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे यह आतंकवादी घटनाओं से कारगर ढंग से निपटती है। इस बल का आदर्श जो वाक्य है एक सबके लिए सभी के लिए एक, इसी के अनुरूप ये कार्य भी करती है। फिर आप सुनते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 15 जुलाई 1948 को एक युवक संगठन के रूप में की गई थी, जिसमें विद्यालय और महाविद्यालयों के छात्र स्वेच्छा से प्रवेश पा सकते हैं। इसमें जब आप भी कक्षा शुरू में भी प्राथमिक शिक्षाओं से ही जाने लगता है, उसके बाद आपने देखा होगा जब आप 11वीं 12वीं करते हैं तब भी आप इसमें जाने के योग्य हो जाते हैं और कई बार आप 11वीं 12वीं के बाद भी जा सकते हैं। अब भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख संगठन भी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आप लोग IB कहते हैं। 1920 में इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे आप लोग CBI कहते हैं, 1963 में इसकी स्थापना की गई नई दिल्ली। याद रखिए इनके जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं इन्हें याद रखिए, क्योंकि पूरा नाम मुझे नहीं लगता है कि कई परीक्षाओं में पूछा भी नहीं जाता है। सीमा सुरक्षा बल BSF 1965 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 1986 में नई दिल्ली में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF 1939 में इसकी स्थापना हुई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस ITBP 1962 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1969 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय।
असम राइफल्स 1835 की बात है, तब स्थापना की गई, शिलांग में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG 1984 में इसकी स्थापना की गई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC 1948 में इसकी स्थापना की गई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय मिलेगा देखने को। भारतीय तटरक्षक बल 1978 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, होम गार्ड्स 1962 में इसकी स्थापना की गई। रैपिड एक्शन फोर्स RAF 1991 में इसकी स्थापना की गई, नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। प्रादेशिक सेना 1948 में इसकी स्थापना की गई। और याद रखिए, हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस भी है, जो पुलिस है ये राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का। इस पर जो भी कानून होते हैं वो आपके राज्य ही बनाते हैं, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIS है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना न्यायमूर्ति बी मुखर्जी की रिपोर्ट के अनुसार 1969 में की गई। आरंभ में यह बल औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता था, किंतु अब इस बल को हवाई अड्डों की सुरक्षा में भी उपयुक्त किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम भी है। ये संस्थानों के मुख्यालय वर्ष, स्थापना वर्ष, गार्डन रीच शिपगार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में 1934 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में 1954 में इसकी स्थापना की गई। गोवा शिपगार्ड लिमिटेड, ये आपका गोवा में देखने को मिलेगा, 1957 में इसकी स्थापना की गई। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई, 1958 में इसकी स्थापना की गई। मझगांव डाक लिमिटेड, ये आपका मुंबई में देखने को मिलेगा, 1960 में इसकी स्थापना की गई। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये आपका बंगलोर में देखने को मिलेगा, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में देखने को मिलेगा, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में देखने को मिलेगा, 1970 में इसकी स्थापना की गई। कब? 1970 में। फिर आप सुनते रहते हैं होम गार्ड्स SG, यह एक स्वयंसेवी बल है जिसका गठन देश में 1962 में व्याप्त सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। यह दल स्थानीय पुलिस का सहयोग करते हैं। इस संगठन का प्रसार केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका है अभी। फिर आपने देखा है प्रादेशिक सेना RAF, इसका गठन 1948 में किया गया और यह नागरिकों की एक स्वैच्छिक दल है। किसका? नागरिकों का। यह बल नागरिकों की को अवकाश के समय सैन्य प्रशिक्षण देने और संकट के समय नियंत्रक सशक्त सेना भेजकर देश की सेवा करता है। फिर सुनते हैं आप लोग CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसकी स्थापना अप्रैल 1963 में की गई। आरंभ में इसका नाम विशेष पुलिस प्रतिष्ठान था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था। यह देश का सर्वोच्च जांच एजेंसी है। क्या है? सर्वोच्च जांच एजेंसी है। अगर हम भारत की प्रमुख पिछे पास्तों की बात करें तो इसमें पृथ्वी, सतह से सतह कम दूरी का बैलिस्टिक पृथ्वी पिछे पास्त है। यह आपसे कई बार पूछ लेता है कि ये सतह से सतह मार करने वाला है, ठीक है। त्रिशूल, ये आपका सतह से हवा, इस पॉइंट को याद रखिए। आकाश, सतह से हवा में। नांग, टैंक रोधी निर्देशक पिछे पास्त। अग्नि, सतह से सतह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। धनुष, जमीन से जमीन पर। अस्त्र, हवा से हवा में मध्यम दूरी की। ब्रह्मोस, जमीन से जमीन पर मार करने वाला ध्वनि से तेज सुपरसोनिक क्रूज मिस पिछे पास थे। सागर की गहराइयों में भी उपयोग किया जा सकता है। सौर, सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रहार, ये भी सतह से सतह पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। तारस, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट श्रृंखला का पोत है। पिनाका स्वदेश निर्मित बहुनालक रॉकेट प्रणाली है। इसके द्वारा 44 सेकंड में, कितने? 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। इस प्रणाली में मार्क एक की अधिकतम रेंज 40 किलोमीटर और मार्क सेकंड की अधिकतम रेंज 65 किलोमीटर है। इस प्रणाली का विकास DRDO ने किया है। किसने? DRDO ने। भारत के प्रमुख सैन्य विमान की बात करें तो तेजस हो गया, निशांत, लक्ष्य, राफेल, सुखोई 30, आवास। भारत के प्रमुख टैंकों की अगर बात करें तो अर्जुन 19 भीम्स,
कर्ण, अर्जुन, मार्क, सेकंड और भीम, ये सभी आपके भारत के प्रमुख रैंक हैं। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी रहनी चाहिए। अगर भारत की प्रमुख पनडुब्बियों की विमानवाहक एवं युद्धपोत की बात करें तो INS विराट, INS विभूति, INS विपुल, INS सालकी, INS विक्रमादित्य, INS प्रबल, INS सतपुड़ा, INS चक्रटो और C-402, INS अरिहंत, INS वैभव, INS त्रिकंद, INS विक्रांत, ये सभी आपकी पनडुब्बियाँ विमानवाहक युद्धपोत हैं। भारत की प्रमुख रडार की बात करें तो अपर्णा, राजेंद्र, इंद्रतो, रोहिणी, शांत, बैटलफील्ड, सर्विलांस रडार, ये सभी हैं। ब्रिटेन के पास कई प्रकार की निगरानी ड्रोन हैं, जिसे इजरायली कंपनी इविट और ब्रिटेन की थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए हैं। नैनो प्रौद्योगिकी, जो नैनो शब्द है ये ग्रीक भाषा का नैनोस से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है बौना यानी कि छोटा। लेकिन विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली के अंतर्गत नैनो से तात्पर्य एक अरबवें भाग से होता है, जैसे एक मीटर का एक अरबवां भाग एक नैनोमीटर कहलाएगा। ऑक्सीजन के एक अणु का व्यास 0.1 नैनोमीटर होता है। मनुष्य के बाल की मोटाई लगभग 100,000 नैनोमीटर होती है। माइक्रोमीटर से छोटा नैनोमीटर है, जो मीटर का एक अरबवां हिस्सा अर्थात 10^-9 मीटर होगा। नैनोमीटर से भी आपके छोटे कई मात्रक हैं, जैसे आप पिकोमीटर कहते हैं, फैक्टोमीटर भी कहते हैं, एटोमीटर भी कहते हैं इसे। नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किसी द्रव के परमाणविक तथा आणविक पैमानों पर कार्यकुशलता के अध्ययन को किया जाता है। इसका उद्देश्य की बात करें तो बहुत से नए पदार्थों तथा यंत्रों का निर्माण करना, जिनका प्रयोग औषधि, विद्युत, जैव पदार्थों ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं। इसका प्रयोग कार्बनिक रासायनिक विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, अर्धचालक भौतिकी आदि में भी किया जाता है। ये आपके अंटार्कटिका पर शोध और केंद्र भी हैं। भारत की बात करें तो दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री और भारतीय, ये भारत के हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो एमंडसन, स्कॉट, मैकमार्डो, पाल्मर, सीबले। अगर रूस की बात करें तो बेलेंग, सोसेन, मोलोडेजनया, मिनी, नोवोल लेज रिवर्स, क्या लेनिन ग्राद, स्क्वा, बोस्टोक, ये सभी आपके USSR, जिसे आप रूस कहते हैं उसके। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें तो केसी हो गया, डेविस हो गया, माओसन हो गया। अर्जेंटीना की अगर बात करें तो इसमें हो गया आपका अल्मेड ब्राउन, एस्पेरेंजा, गल एस मार्टिन, गल बेलगानो, टी मेरे, मेरी एंजो, वको मैराबिंदियो। बैटन की अगर बात करें तो फराडे हो गया, हैली रोधेरा। चेकोस्लोवाकिया की बात करें तो अर्तुरो त्रोन पेट और गल बी ओ हिंग्स, टेनी एंटी रोडोल्फो, ये आपके चेकोस्लोवाकिया के हो गए। इसमें अगर जापान की बात करें तो मिजुहो सियोबा। पोलैंड की अगर बात करें तो आर्कटोस की। फ्रांस की बात करें तो ड्यू मॉन्ट डी उर्विले। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो सैनल। नॉर्वे की बात करें तो पीटर आई वाई। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो स्कॉटलैंड। ये सभी हो गए आपके अंटार्कटिका पर स्थापित शोध केंद्र। अब आगे हम लोग बात करेंगे, आप हो गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आगे आपका बचता है कंप्यूटर और कुछ और टॉपिक बचते हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद आपका ये बुक से सामान्य ज्ञान की पूरी कवर हो जाएगी और इतना काफ़ी है आपके सामान्य ज्ञान के लिए। फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, काफ़ी हद तक आप, मुझे लगता है कि BCS प्रीलिम्स भी इससे निकल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी बुक से लिखी गई। और बाकी NCERT हैं तो पढ़ लें, उसके लिए वो भी पढ़ा दी गई हैं आपकी, तो देखते रहें, ठीक है।